What's up guys, संजोत कीर here, welcome to IFL। पनीर चिली बना रहा हूँ आज। अब अनडाउटली वन ऑफ द मोस्ट ऑर्डर्ड रेस्टोरेंट रेसिपीज़ होती है ये, और मेरी भी पर्सनल फेवरेट है। और आज जो पनीर चिली बना रहा हूँ वो एकदम परफेक्ट रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर चिली बनेगा। टेस्ट परफेक्ट होगा, टेक्सचर परफेक्ट होगा, हर एक चीज़ परफेक्ट होगी। बहुत सिंपल रेसिपी है। और एक चीज़ मुझे आपसे पूछनी है कि पनीर चिली होता है या चिली पनीर होता है, आप कैसे से बोलते हो मुझे कमेंट्स सेक्शन में नीचे बताओ। और सबसे पहले पनीर चिली के लिए पनीर को हमें कोट करके फ्राई करना है, वो कैसे किया जाता है वो देख लेते हैं। एक बड़े से बोल में 250 ग्राम पनीर ले रहा हूँ। पनीर जो है मैंने इस तरीके से कट किया है, थोड़ा डायमंड शेप में कट किया है। आप क्यूब्स भी कट कर सकते हैं। अब पनीर के ऊपर टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कीजिए, चुटकी भर काली मिर्च का पाउडर और 2 टेबलस्पून यहाँ पर कॉर्नफ्लावर ऐड कर रहा हूँ। कॉर्नफ्लावर ऐड करने के बाद इसे बस बोल को इस तरीके से टॉस करते हुए कोट कर लेना है पनीर को कॉर्नफ्लावर से। आपको हाथों से मिक्स नहीं करना है, नहीं तो क्या है कॉर्नफ्लावर जो अच्छे से पनीर को लगता नहीं है। आप एक बार इस तरीके से पनीर को कोट कर लें, उसके बाद बस एक पानी का छींटा मारना है। पानी का छींटा मारते ही इसके ऊपर और 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर छिड़क दीजिए। कॉर्नफ्लावर छिड़कने के बाद इसे फिर से सेम तरीके से आपको कोट कर लेना है। और आप देख सकते हो पनीर अच्छे से कोट हो चुका है। बस इतनी सी ही कोटिंग आपको पनीर की करनी है फ्राई करने से पहले। पनीर को फ्राई करने के लिए तेल मैंने गरम करके रखा हुआ है। 170 डिग्री सेल्सियस पर तेल है, यानी कि अच्छे से गरम हो चुका है तेल। अब तेल के अंदर केयरफुली एक एक करके पनीर के क्यूब्स ऐड कर दीजिए। फ्लेम आपकी हाई रहनी चाहिए, नहीं तो पनीर जो है वो हार्ड हो जाएगा, अच्छे से फ्राई नहीं होएगा। हाई फ्लेम पर ही आपको पनीर को तलना है। बस 1-2 मिनट में ही आपका पनीर अच्छे से फ्राई हो जाएगा। बस लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक पनीर को फ्राई कर लीजिए। पनीर एक बार आपका फ्राई हो जाए, इसे एक स्ट्रेनर से निकाल लीजिए और एक छन्नी में ट्रांसफ़र कर दीजिए और एक्सेस ऑयल को ड्रिप ऑफ होने दीजिए। तो पनीर हमारा फ्राई हो चुका है। पनीर को इसी तरीके से फ्राई कीजिए जब भी आपको कोई इंडो चाइनीज़ रेसिपी बनानी है पनीर के साथ, भले वो स्टार्टर हो या मेन कोर्स हो। पनीर को इसी तरीके से कोट करके फ्राई कीजिए। इससे क्या होता है, आपका पनीर जो है वो टूटेगा भी नहीं टॉस करते समय सॉस के अंदर। और दूसरी चीज़, जो पनीर के ऊपर आपने कई बार देखा होगा कि कोटिंग आ जाती है बहुत मोटी सी, वो कोटिंग भी नहीं आएगी, एकदम परफेक्ट टेक्सचर आएगा पनीर का। इसी तरीके से हमेशा पनीर को फ्राई कीजिए। अब नेक्स्ट स्टेप ये है, एक सॉस बनानी है, बहुत फटाफट बन जाती है। जो चिली पनीर की सॉस होती है वो बनाकर पनीर को टॉस करेंगे, वो प्रोसेस कैसे किया जाता है वो देख लेते हैं। एक वॉक को अच्छे से गर्म कर लीजिए। वॉक आपका गर्म हो जाए तब इसके अंदर 1 टेबलस्पून तेल ऐड कीजिए। तेल एक बार गर्म हो जाए तब 2 टेबलस्पून चॉप किया हुआ प्याज, 4 टेबलस्पून चॉप किया हुआ लहसुन और 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ अदरक ऐड करके 1 से 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर स्टर करते हुए कुक कर लीजिए। एक बार आपने लहसुन और अदरक को अच्छे से भून लिया हो तब इसके अंदर 200 ml वेजिटेबल स्टॉक या गर्म पानी ऐड करके अच्छे से स्टर कर लीजिए। अब इसके अंदर 2 टीस्पून डार्क सोया सॉस, 1 टेबलस्पून लाइट सोया सॉस, 1 तीखी वाली मिर्च की पेस्ट बनाकर ऐड कीजिए, 1 टेबलस्पून धनिए के डंठल, 2 से 3 स्लिट की हुई हरी मिर्चें, टेस्ट के हिसाब से नमक, 1 चुटकी भर व्हाइट पेपर पाउडर और 1 टीस्पून विनेगर ऐड करके अच्छे से स्टर कर लीजिए। ध्यान दीजिए कि नमक जो है वो कम ऐड कीजिए, सोया सॉस में बहुत नमक होता है तो नमक जो है हल्का सा कम ऐड कीजिए। अब एक दूसरे बोल में 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर और थोड़ा सा पानी मिलाकर एक कॉर्नस्टार्च की स्लरी बना लीजिए। इस स्लरी से अभी सॉस को थिक करना है, तो धीरे धीरे स्लरी को ऐड कीजिए सॉस के अंदर और हाई फ्लेम पर स्टर करते हुए पकाइए सॉस को, जब तक कि सॉस जो है आपकी थोड़ी सी थिक नहीं हो जाती है। तो सॉस हमारी थिक हो चुकी है। अब इसके अंदर 1 चुटकी भर शक्कर, जो हमारा फ्राई किया हुआ पनीर है, वो ऐड कर दीजिए। साथ ही में थोड़ा सा रफली चॉप्ड ताज़ा धनिया, थोड़ा सा चॉप किया हुआ हरा प्याज, आधे प्याज को इसे पेटल्स में कट करके ऐड कर दीजिए, एक डाइस्ड कैप्सिकम और 2 टेबलस्पून जो हरे प्याज का सफ़ेद हिस्सा होता है वो ऐड कर दीजिए। सारी चीज़ों को बस आपको टॉस कर लेना है, बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। बस 1 मिनट के लिए टॉस करते हुए इसे पका लीजिए हाई फ्लेम के ऊपर। और लास्ट में इसमें थोड़ा सा ऊपर से फिर से हरा प्याज डाल दीजिए और आपका पनीर चिली जो है वो रेडी हो गया है। लेट्स प्लेट इट वाईएफएल स्टाइल। पनीर चिली बहुत ही ब्यूटीफुल बनता है। इस तरीके से पनीर को कैसे फ्राई करना है वो भी बता दिया, और साथ ही में इसकी जो सॉस है वो भी आपको बता दी है। इसकी अगर ग्रेवी आपको बनानी है बहुत आसान है, बस थोड़ा सा वेजिटेबल स्टॉक या गर्म पानी और ऐड कर दीजिए, कॉर्नस्टार्च स्लरी थोड़ी सी बढ़ा दीजिए और आपकी जो पनीर चिली है वो ग्रेवी वाली बन जाएगी। नूडल्स के साथ, फ्राइड राइस के साथ खाइए, बहुत मज़ा आएगा आपको। और स्टार्टर वाला जो पनीर चिली होता है वो तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो इस तरीके से बनाइए ये रेसिपी अपने घर पे। कमेंट्स में मुझे बताओ आपको ये रेसिपी कैसे लगी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी। Follow and subscribe to IFL if you haven't yet. Have an amazing time with this beautiful paneer chili recipe at your home. Cheers.